स्टेजेस पे अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग क्वालिटी के हम जो देख रहे हैं उससे हम सीख के देन वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑल्सो। और कल पर कल हमारा और एक 20 लोगों का दिस प्रोग्राम वी हैव एक्सक्लूसिवली डिजाइंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट फ्रॉम लेह लद्दाख। So that is why we have invited the people who are more connected to the field of handloom and textiles. So I am sure that this program will be of more useful to you. And this program we have conducted on both virtual mode as well as physical mode. So you may please take care of the points suggested. And any clarification, you please kindly clarify with the consent. Thank you. जिससे फिर आपको पैकेज खोलना भी नहीं पड़ेगा, तो उसी से यहाँ पे जब एस्टेब्लिश होपफुली इन अ मंथ और टू हम उसको सेटअप करेंगे। एंड दिस वुड बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी जो हमें जो फर्स्ट फोरनून सेशन, देन वी विल हैव अ स्मॉल इंटरेक्टिव सेशन फॉलोड बाय लंच ब्रेक। देन बाय द टाइम वी विल हैव अवर चीफ गेस्ट श्री सौगत बिजवास साहब विल जॉइन अस, एंड देन वी विल हैव अ फिजिकल सेमिनार स्टार्ट इन द आफ्टरनून सेशन। Last year during Vanijya Saptah we had an interaction with them, and they have been very kind enough to help us in all our endeavors. Let me tell you that Ladakh is just, we are just starting, as a UT, so we are just starting, so we have a lot of catching ups to do, And we were not aware of this export promotion council, different export promotion council, different institutions where we can seek help. And now slowly we are learning this. So what we feel in Ladakh is that we have to leapfrog our development programs. So we do not have time to rest and have step by step kind of thing. So we have to go ahead and leapfrog and try to catch up with the rest of the country. And when we talk about export, we not only talk about what we export from Leh or Ladakh to the other parts of India, but also export in a real sense, exporting to other countries also. So this has been a journey of 2 years where we had interacted with a lot of institutions, a lot of experts, even DGFT also. We have been interacting with them and then trying to see how we can help our own entrepreneurs to venture into export business. I know we are starting, we have a lot of things to learn also, but then we have achieved quite a lot in the past 2 years. पिछले 2 साल में बहुत सारे हमने ये चीज़ें किए हैं, एंड आई ऑलवेज से कि हमने बहुत सारी चीज़ों का पीस फाउंडेशन या स्टार्टिंग काफ़ी कर रखा है, और आने वाले इसी साल से वी विल ट्राई टू सी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा, वे वी नो कि हमने क्या क्या मेहनत किया है। Last 2 years we have difficulties, जैसे सबका है, कोविड सिचुएशन वॉज देयर, एंड then our season is also a kind of a drag also, but still we managed to pull off a lot of programs. बहुत सारे हमने प्रोग्राम हमने कोलेबरेट करके किए हैं, बहुत सारे हमने हम बाहर तक भी गए हैं, और काफ़ी कुछ रिजल्ट भी आ गए हैं, कुछ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा आने के बाद। इससे पहले भी जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ या हमारे स्मॉल बिजनेस लोगों के साथ, बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका मैं ज़रूर अभी जिक्र करूँगा। उससे पहले भी हमने बहुत सारे आप लोगों को काफ़ी प्रोग्राम में हम मिले हैं, सो टाइम टू टाइम वी ऑलवेज ट्राई टू टेल यू कि हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इन इंग्लिश वी कॉल ए लो हैंगिंग फ्रूट, जो हम जल्दी कर पाते हैं वो कर रहे हैं। अदर देन दैट वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स ऑल्सो। अभी श्रीधर साहब के साथ बात हो रहा था कि टेक्सटाइल पार्क की बात कर रहा था, नॉट एग्जैक्टली टेक्सटाइल पार्क, बट वी हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ क्राफ्ट मार्केट दैट वी आर डेवलपिंग, जो हम लद्दाख यूटी सिंधु घाट के सामने हम बना रहे हैं, विच इस उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। इससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले हमें भी पता नहीं था, जब हम इस डिपार्टमेंट में जब शुरू कर रहे थे, कि हम यही सोच रहे थे कि हमने ही आगे बढ़ के किस तरह किसको पकड़ना है। लेकिन ऑनरेबल एलजी साहब जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में उनका बहुत बड़ा उन्होंने सर्विस में उन्होंने टाइम स्पेंड किया, तो वो ही वॉज एडवाइजिंग आर एंड ही वॉज सजेस्टिंग अस दैट वी शुड गेट होल्ड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, whether it is HEPC, EPCH, APIA, all these programs, they have expertise in different fields. तो उन सब के साथ हम मिल के हम सबसे हमने कॉन्टैक्ट किया है, सब के साथ हमने प्रोग्राम्स
पहले भी कोलैबोरेट किए हैं, आने वाले टाइम पे भी हम कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स का जो मैंने अभी जिक्र किया था, दिस इज आल्सो कमिंग अप, वी आर डेवलपमेंट हो रहा है। आप लोगों को जैसे पता है, वी ऑलरेडी हैव डीहाइरिंग प्लांट व्हिच इज वी आर गेटिंग अ न्यू डीहाइरिंग प्लांट जो शीप हस्बेंड्री के थ्रू आ रहा है, एंड द ओल्ड वन हैज आल्सो बीन ओवरहॉल्ड एंड इट इज स्टार्टिंग सून। तो वो दूसरा डिपार्टमेंट दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो हमें लगा कि वी नीड टू हैव अनदर सेट ऑफ थिंग्स जो हमें यहाँ पे लगा, दैट हम यूटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स फंड कर रही है, और हम होपफुली इन अ मंथ और टू हम उसको सेटअप करेंगे, एंड दिस वुड बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी जो हमें लगा, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली हमारा एक्सपोर्ट उतना बल्क में नहीं होता। उसमें भी हमने पता चला कि हमें बहुत दिक्कत, जिससे फिर आपको पैकेज खोलना भी नहीं पड़ेगा, तो उसी से यहाँ पे जब एस्टेब्लिश हो, और इसकी काइंड इनफ टू हेल्प अस इन दिस, सो दे हैव असाइन दिस कॉम्प्लेक्स का जो मैंने अभी जिक्र किया था, दिस इज आल्सो कमिंग अप, वी आर भी होगा उस तरफ की चीज़ें हम लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली हमारा एक्सपोर्ट उतना बल्क में नहीं होता है, तो ले मार्केट की एक दिशकित में, एक कारगिल में, वो भी हम इन अ मंथ और टू हम वो एक फिजिकल एम्पोरियम टाइप का होगा, जिसमें हम ब्रांड लद्दाख करके आप जिसका भी सामान होगा जो हमें लगता है उसके क्या कहते हैं सेल करने का होगा, उसके लिए हम जगह देंगे। तो इसके अलावा जो अब हाँ अमेजन कारीगर के साथ भी हमने MOU साइन किया है, जो हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम करने जा रहे हैं, जल्दी ही उनका भी हम लॉन्च कर लेंगे, तो हम ये वाले फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी वो करेंगे, जो देख रहे हैं उससे हम सीख के देन वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑल्सो। और कल हमारा और एक 20 लोगों का, जिससे फिर आपको पैकेज खोलना भी नहीं पड़ेगा, तो उसी से यहाँ पे जब एस्टेब्लिश हो, जो ले में मिलता है और यहाँ भी जो है ले में प्लेंटी ऑफ अवेलेबिलिटी है, तो उनका फाइबर हार्वेस्ट करके उनसे भी जो है ना हाई वैल्यू टेक्सटाइल या शॉल्स बना करके उनका मार्केटिंग किया जा सकता है मुल्क के साथ ब्लेंड करके, और इससे अच्छा रेमुनरेशन मतलब फार्मर को प्लस आर्टिजन को प्लस जो भी वैल्यू चेन में जो भी इंडस्ट्रीज है या है, तो उसको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो सर रैशनल ये है कि कारपेट एंड शॉल वन ऑफ द कारपेट और शॉल जो है वो हमारे जो वुलन टेक्सटाइल है उसमें बहुत ही अच्छा मुकाम रखते हैं, और ये जो हैंडलूम पे बनते हैं कारपेट और जो शॉल, उनका अपना डिजाइन एंड कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि वो वेरी हाई काफी हाई डिमांड में रहते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है वो देश के कारपेट के यान का लगभग 80% प्रोड्यूस करते हैं, और ये सारा यान जो है वो हैंडमेड कारपेट मैन्युफैक्चरिंग हैंडमेड है। वांट टू से दैट हैंड नॉटेड कारपेट जो वर्टिकल लूम पे होता है मिर्जापुर भदोही और कुछ जो है राजस्थान में भी अब होता है, लगभग 500 करोड़ का कारपेट यहाँ पे भी बनता है।